अब हमारे पास कोई भी अगर फॉर एग्जांपल नए जो हमारे फॉलोअर्स हैं, जो लोग हमारा कंटेंट देखते हैं, वो ये चाहते हैं कि जी मैं पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, आई वांट टू डू समथिंग दैट विल बी माय लेगेसी, आई वांट टू यू नो फॉर एग्जांपल दावा है ना, दीन की दावत है, तो अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में कहते हैं सूरह आल इमरान में कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, कि यू आर द बेस्ट ऑफ नेशंस एवर सेंट फोर्थ टू मैनकाइंड बिकॉज यू एंजॉय व्हाट इज गुड, यू फॉरबिड व्हाट इज ईविल एंड यू बिलीव इन अल्लाह। सो अगर एक यू नो वेल इंटेंडेड ब्रदर या सिस्टर हैं जो चाहते हैं कि जी हम कोई इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं गिवन द सोशल मीडिया, उनको हम क्या एडवाइस करें कि कौन से ट्रैप्स एंड पिटफॉल्स हैं जिसको अवॉइड किया जाए, किस किस्म का कंटेंट वो क्रिएट कर सकते हैं, पॉजिटिवली अपने लिए एक लेगेसी कैसे क्रिएट कर सकते हैं? एक तो सबसे पहली जो चीज़ है ना, वो थे दिन जो भी जान मैंने बात की है ना, अपना अपने आप को इक्विप करें, सो एजुकेट योरसेल्फ, लर्न द दीन, उसको और जो मॉडर्न डे फितनाज हैं, चैलेंजेस हैं, उनको सबको स्टडी करें पहले तसल्ली से, अपने आप को तैयार करें, एंड देन उसके बाद इट्स अप टू यू कि जी आपको क्या फील होता है, जी मेरा स्किल सेट क्या है, इफ़ यू थिंक यू आर अ गुड स्पीकर देन यू कैन स्पीक। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइन, लोगों ने चैनल्स बनाए जिसपे सिर्फ अच्छे अच्छे ग्राफिक्स और पोस्टर्स पोस्ट डाल देते हैं, आप वो करें, इवन वो भी नहीं होता, एटलीस्ट अपनी फैमिली में तो शुरू करें, अपने मोहल्ले से शुरू करें, आपकी अच्छा सोशल सर्कल है वहाँ पर दीन की दावत देना शुरू करें, लर्न एंड यू नो जिसे कहते हैं इल्म और अमल, दोनों चीज़ें करना शुरू कर दें, सीखें और सिखाना शुरू करें, और अच्छा सिखाने से जितना बंदा सीखता है वो शायद खाली लर्निंग से भी नहीं होता, सो व्हाटएवर यू लर्न, अपने आगे जो भी सर्कल है अपने घर में, थोड़ा सा आगे पीछे सोशल मीडिया पे वैसे पोस्ट डालनी, अपनी नॉर्मल सी प्रोफाइल है, कोई फॉलोइंग नहीं, कोई मसला नहीं, बट अपने आप को पहले इक्विप करें, बिकॉज अगर उसके बगैर आप पानी में छलांग मार देंगे विदाउट लर्निंग स्विमिंग, आप समंदर में चले जाएंगे तो फिर डूबेंगे। सो लर्न द स्किल्स, लर्न द दीन, लर्न द सारा जो रिक्वायर्ड मटीरियल है, उसके बाद अल्लाह ताला खुद ही इंशाल्लाह रास्ते भी खोलता रहेगा आपके लिए। जीमा जी, आपके क्या थॉट्स हैं? ब्रो ने बात की है लर्न, लर्न जब कर लिया देन यू हैव टू प्योरीफाई योर इंटेंशंस एज वेल, एंड व्हाइल्स यू आर लर्निंग यू शुड आल्सो प्योरीफाई योर इंटेंशंस, बिकॉज़ नबी सल्लम की हदीस है इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार आपकी नीयतों के ऊपर है, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट पॉजिटिवली इन द सोसाइटी, और उसमें जाहिर सी बात है आप सोसाइटी को हेल्प कर रहे हो एंड यू आर एजुकेटिंग द पीपल, तो यू वुड वॉन्ट के दैट वर्क दैट यू डूइंग शुड बी एक्सेप्टेड इन दिस वर्ल्ड एंड इन द नेक्स्ट एज वेल, सो इन ऑर्डर फॉर दैट वर्क टू बी एक्सेप्टेड, तो उसके लिए आपकी सिंसेरिटी खालिसतन अल्लाह सुब्हान ताला के लिए होनी चाहिए कि ये काम मैं सिर्फ इस नीयत से कर रहा हूँ कि मेरा रब भी राजी होगा और मेरे से लोग भी उससे मदद हासिल करेंगे। इफ़ योर इंटेंशंस आर टू गेट फेमस, तो आपको दुनिया में तो वो फेमस मिल जाएगा, लेकिन आखिरत में भी नहीं होगा, एंड दैट वर्क दैट यू हैव डन जो इतना आज किया वो यूजलेस है, वो आपके नामे आमाल में आगे लिखा नहीं जाएगा। वो जो हदीस भी आती है ना, इसमें आता है कि तीन लोग जो सबसे पहले ना चेहरे के बल घसीट के जहन्नम में फेंके जाएंगे, दे विल बी ड्रैग्ड ऑन देयर फेसेस, वन ऑफ देम विल बी एन आलिम, वन ऑफ देम विल बी अ मार्टर, एंड वन ऑफ देम विल बी समवन हु यूज्ड टू स्पेंड अपेरेंटली फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, यानी एक बड़ा सखी आदमी था, ठीक है ना, तो जो आलिम है उसको अल्लाह ताला कहेंगे कि भाई, वो कहेगा जी अल्लाह मैंने तो तेरे लिए किया, एंड अल्लाह सुब्हान ताला टेल हिम यू आर अ लायर, तू झूठा है, तूने मेरे लिए नहीं किया, यू डिड इट फॉर द फेम एंड यू गॉट इट, सो व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी नाउ। नंबर टू, वो बंदा जो मार्टर हो गया, शहीद हो गया, वो बैटल फील्ड में यानी जान दे दी उसने अपनी, तो कहेगा अल्लाह आई डिड इट फॉर यू, अल्लाह ताला विल से यू आर अ लायर, यू डिड नॉट डू इट फॉर मी, यू वांटेड कि तुम्हें मरने के बाद लोग कहें कि जी बड़ा बहादुर आदमी था, तुम्हारे माँ बाप को सर पर उठा लें कि जी आपका क्या बच्चा था। और ये और तीसरा, वो शख्स जो सखी था, अल्लाह की राह में बैंडली करता था, हाजी साहब, मौलाना साहब, हजरत, शेख, जो भी, वो उसको भी यही जवाब मिलेगा कि यू आर अ लायर, यू डिड नॉट डू इट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, यू डिड इट फॉर योर ओन फेम एंड ग्लोरी एंड ऑल ऑफ दैट, यू गॉट दैट, नाउ व्हाट यू वांट, दीज आर द टॉप मोस्ट, यानी कि कहले पाए, यानी नोबल तरीन काम होंगे ना, इससे ये तो नहीं कहा वो यूट्यूबर था या टिकटॉकर था, और नोबल तरीन काम की सजा क्या है मिल रही है, जहन्नम में सबसे पहले तीन जो जिससे जहन्नम की आग घसीट के मुंह के बाल घसीट के आग भी भड़काई जाएगी। और देखें, जो चेहरे के बल घसीटने वाली बात है ना, एक होता है कि जी पकड़ के फेंक दिया जाएगा, चेहरे के बल घसीटने का मतलब है कि उसको जलील किया जा रहा है, लाइक ही दे आर बीइंग ड्रैग्ड ऑन देयर फेसेस, बिकॉज़ फेस इज समथिंग, यानी हमारी नोबिलिटी और उसकी चीज़ है ना, इसलिए थप्पड़ मारना मुंह पर ठीक नहीं है, तो ये जो चेहरा है उसके बल उसे घसीटा जा रहा है कि तुम इज्जत ढूंढ रहे थे, दिस इज शोइंग ऑफ, राइट, ये शोइंग ऑफ, एंड शोइंग ऑफ इज आल्सो पार्ट ऑफ माइनर शर्क में भी आता है, शोइंग ऑफ जो चीज़ आप रियाकारी के लिए कर रहे हो ना, कि आप दिखा रहे हो कि मैंने इतना काम किया है, यानी कि नोबल काम किया, फ्लड का काम किया, ये काम किया, वो काम किया, नियतन खालिसतन अल्लाह। अच्छा, मैं इसमें एक सवाल है, ठीक है, वो सवाल ये है कि वो कहेंगे
यार आप लोग भी तो वीडियो बना रहे हैं ना, आप भी तो वीडियो बना रहे हैं, आप भी तो वो सोशल वेलफेयर का काम करते हैं तो आप वीडियो डाल देते हैं, आप भी तो फलां काम करते हैं, लेक्चर पे जाते हैं तो आपका पीछे से वीडियो बन रहा होता है। देखें, देर आर टू थिंग्स है, एक है दीन की दावत आपने करनी है, ठीक है, एंड आप करते हो अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए। अभी हम बैठे पॉडकास्ट भी कर रहे हैं अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं। अगर कोई इसको अप्रिशिएट करता है अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं भी करते तब भी अल्हम्दुलिल्लाह, नो प्रॉब्लम। तो इट इज़ नेचुरल, इट इज़ कम्प्लीटली नेचुरल फॉर यू टू लाइक दैट पीपल अप्रिशिएट यू। लाइक घर में अगर एक औरत है ना, उसने खाना बनाया, तो वो ये नहीं कहती कि लोग मेरे खाने को बैड माउथ करेंगे, ओ तुम्हें तो खाना बनाना नहीं आता। लाइक एवरी वुमन हु कुक्स फूड वांट्स के लोगे, माशाल्लाह जी आज आपने ये आलू गोश्त बड़ा अच्छा बनाया जी, आज आपने जी दाल बड़ी ज़बरदस्त बनाई, ओह क्या क्या लज़त है आपके हाथ में, लोग जाते हैं ऐसा की बात हो। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इसके लिए ना करें, इसके लिए ना करें। अगर हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं किसी लेक्चर पे गया हूँ, टॉक दे रहा हूँ, तो अगर कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता तो मैं क्या दावत छोड़ दूँ? यानी इफ आई गो टू अ टॉक एंड नोबडी, किसी ने ताली नहीं बजाई, ताली नहीं बजाई, मैं क्या कहूँ व्हाट इज दिस, माय टास्क इज वेस्टेड हियर, आई वेस्टेड 1 आवर हियर टॉकिंग टू यू, नो आई डू इट इवन इफ आई गेट कॉल्ड बाय पीपल कि जी तुमने ये क्या फजूल बात की है। वो जो अलामा इकबाल ने कहा था ना कि अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्मे अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी मैंने तो अज़ान देनी है ना, अब जिसने आना आए, जिसने नहीं आना वो ना आए, मैं तो अज़ान देता रहूँगा। सो हमारा काम है हम अपना काम करें, अगर तारीफ हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें थोड़ा सा हमारा जो दुनिया में भी थोड़ी सी उसकी इज्जत दे दी है। लेकिन असल चीज़ जो है होनी चाहिए वो ये है कि रिगार्डलेस ऑफ वेदर पीपल लाइक आर कॉन्टेंट और डोंट, वी स्टिक टू आर गन्स, वी स्टिक टू व्हाट वी डूइंग। सो आई थिंक अ लॉट ऑफ टाइम जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बैक आउट करते हैं ना, वो इसलिए होता है कि उनके उनका कोई बेस नहीं होती और वो अप्रिसिएशन नहीं मिलती, कहते हैं यार इट्स अ थैंकलेस जॉब यार, व्यूज कम हो रहे हैं यार, कंटेंट के व्यूज कम हो रहे हैं, मैं ये बात कर रहा हूं अगले मुझे गालियां निकाल रहे हैं, ये क्या हो रहा है? तो बात ये, अगर आपका पर्पस है ना, आपका पर्पस है, व्हाई स्ट्रांग है आपका, तो आपका व्हाई, हां एग्जैक्टली वेरी सही बात है, अगर आपका व्हाई स्ट्रांग है ना, व्हाई यू डूइंग दिस, देन यू डोंट फ्रैंकली केयर के लाइक मिल रहा है, डिसलाइक मिल रहा है, व्हाटएवर। आपने कहा यार मैंने तो करना ही करना है, आपको पसंद आ रहा है, एंड मे बी आप मरने के बाद सक्सेसफुल हो जाओ, मे बी मरने के बाद लोग आपको कहें यार बड़ा कमाल आदमी था यार। अजाबी आधे से ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स का ना व्हाई इज एक्सट्रीमली वीक, एक्सट्रीमली वीक, वेरी दुनिया ओरिएंटेड, आधों का तो मनी है, आधों का तो यानी कि व्यूज है, आधों का तो बस यानी कि आप क्या है, वो जो पिंडी बॉय साइकोलॉजी है ना, पर्चे होसन तो चर्चे होसन, चर्चे होसन, ठीक है ना, कि जब हमारे ऊपर केस होंगे ना तो फिर केस भी अच्छे होते हैं, बिकॉज़ जब केस होगा यानी पर्चे जब होंगे ना हमारे पे तो फिर चर्चे होंगे, पुलिस रिपोर्ट परचेज लाइक एन एफआईआर, यानी सा वो जो इब्न नफीस था ना हमारा वो पास्ट का कोई, तो उसने डिस्कवर की थी पल्मोनरी सर्कुलेशन, तो उसको क्रेडिट 700 इयर्स मिली आफ्टर हिज डेथ। वाओ लुक एट दैट, तो ये काफी लोग हैं, इमाम बुखारी, उन्होंने मौत की दुआ की थी क्योंकि उस वक्त उन्होंने बोला कि जितनी वास्त दुनिया है मेरे लिए तंग बनाएगी है, कहते दूसरे दिन वो चले गए, लेकिन उनके मौत के बाद उनकी उनको अप्रिशिएट किया। इमाम अहमद बिन हम्बल जो खल्के कुरान का इशू जा रहा था, ये बहुत लोग अब कहीं ये सऊदीया के अंदर भी इनको मतलब अंदर किया जा रहा है, तो ये बात है कि आप वाली बहुत अच्छी बात है, कभी आपके मौत के बाद भी कई दफ़ा मौत के बाद ये चीज़ें अप्रिशिएट की जाती हैं। सो हमें आई थिंक फोकस करना चाहिए कि वी शुड डू द राइट थिंग रिगार्डलेस ऑफ व्हाट पीपल आर सेइंग, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन। आप सिंसियर रहें अल्लाह के लिए, और आप कहें अल्लाह जो आपने दुआ भी थोड़ी थोड़ी पहले बताई थी ना कि बस अल्लाह की विलायत आपको मिल जाए, अल्लाह का साथ मिल जाए, तो देन व्हाट डू यू वांट मैन, आई मीन यू डोंट वांट एनीथिंग एल्स, इफ यू हैव आई मीन जब सारी इज्जत अल्लाह के हाथ में, या तो ना किसी और के पास हो, अल्लाह ताला सारी इज्जत अल्लाह के हाथ में, तो आप किधर इज्जत ढूंढ रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? आई थिंक दैट्स द मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट व्हाई है ये, सबसे स्ट्रांग व्हाई है ये, बिल्कुल, कि यार यू वांट द क्लोजनेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इफ इफ दिस इज योर व्हाई देन नथिंग मैटर्स। अगर ये व्हाई है तो हाउ ये होना चाहिए कि किस तरह मैं दावत दूं। अगर आपने ट्रेंड्स को देखा या आपने देखा राजा साहब ये करे, ये ब्रदर्स ये करे, तो मैं भी ये करूँगा, आपकी लॉन्गजेविटी कम होगी। आपको वो चीज़, आपको ट्रेल ब्लेजर बनने पड़ेगा, आपको वो चीज़ करनी है जिसमें आप पैशनेट हो। अगर आप लिखने में आपका पैशन है, ब्लॉग्स करो, लाइक वॉटसन ऑफ शर्लॉक एंड वॉटसन, ये उसका ये कुछ चौथी दफा शर्लॉक होम्स को रेफरेंस किया आपने इस दफा, वो बहुत दरअसल देखो जब बड़ा डीप थिंकर था, नहीं जब जब कोई चीज बंदा देखे ना, आपको कहते हैं डाइट आपकी होनी चाहिए जो आपके आंखों में जा रही है, जो आपके कानों में जा रही है, जो आपके मुंह में जा रही है, जो स्किन पर भी जा रही है, जो सारे आपके जिस्म में चीज जाती है ना वो आपकी डाइट है। तो अगर कोई चीज आप देखो भी शर्लॉक से, ये आप सीखोगे डिडक्शन, डिडक्शन, और आप चीजों का ध्यान रखोगे,
और उससे आपको कुछ मिलता है कि यार ये बंदा भी सुपर हीरो हो सकता है। हमें सुपर हीरो इम्प्रैक्टिकल चीज़ें, उड़ना, लेज़र आइज, तो खाली अकेले आप 10 लोगों को ठाठू ठीक करके तो मार दोगे, इस इज़ नॉट रियल। लेकिन शर्लोक का अगर आपने देखा है, हाँ इसकी टैन लाइन है, इसकी मतलब इसकी लेफ्ट हाथ में इंक का निशान है, इस तरह बंदा ध्यान देता है, इस तरह तवज्जो बंदा ऑब्जर्वेंट हो जाता है, ऑब्जर्वेंट होता है। तो देखो जो चीज़ आपकी स्ट्रेंथ है, इसलिए जब इन्होंने ये बात की मुझे बड़ी खुशी हुई कि अगर आप एडिटिंग में गुड हो, बिहाइंड द कैमरा आप गुड हो, सम ऑफ द ब्रदर्स आर फैंटास्टिक बिहाइंड द कैमरा, आई आर मीडिया टीम माशाल्लाह, दिस यू नो द एडिटर्स एंड द कैमरामैन, दे आर द लीस्ट appreciated but they are the most vital. Editing can make the biggest difference. Sahi time par cut karna, reaction kisi ka dena, udhar baithna, ab 11 o'clock ho gaye, sare so gaye, lekin wo dekh raha hai ki yaar main sahi time par is cheez ko cut karu, kya baat yaar, main agar gradient maine kar diya, nahi wo kya kehte hai, color correction, agar maine color grade thoda sa agar karuga to पिक्चर इस तरह होगी, लेकिन अगर नहीं किया तो कोई नोटिस नहीं करेगा। ये उसके और अल्लाह के दरमियान है, मैं थोड़ा करता हूँ तो ये सर कुर्बानी। अब चीज़ की अब जब क्रैश हो जाता है तो आपको दुख पता है, जिस तरह पता है ना, जब आपने इतनी मेहनत की है तो आफ्टर इफेक्ट्स क्रैश हो जाए तो यार, और आपने सेव नहीं किया, नीचे से ज़मीन हिल जाती है। सही बात है, ऐसे ही होता है। तो देखो जिसमें आपका टैलेंट है वो आप करोगे, मज़ा आएगा, व्यूज आए या नहीं आए, आखिर में आएंगे जरूर, जरूर आएंगे, लेकिन आप अल्लाह के, वो अल्लाह के रसूल का फरमान है ना, टू द नियरेस्ट मीनिंग औ का मकाल अलैहि सलातु व सलाम, अल्लाह को वो अमल पसंद है जो रेगुलर हो, बेशक थोड़े हो, स्मॉल इन नंबर बट रेगुलर, या और वो चीज़ उसी को बंदा करता है जिसके साथ मोहब्बत हो। अब 10 साल बच्चे की परवरिश कर रहे हो, क्यों? अल्लाह ताला ने मोहब्बत डाली है क्योंकि वो आपका बच्चा है, लेकिन किसी और का बच्चा वाएं वाएं करेगा, यार चुप करवाओ उसको यार, क्या यार क्यूट, अब आपका बच्चा अब छोटा सा लुला सा मतलब इतना नहीं, लेकिन आपकी आंखों में यार ये तो प्रेसिडेंट बनेगा, ये तो जमाने का वली बनेगा, लेकिन वो क्रेयोन खा रहा है, एक क्रेयोन नाक में ठोंसा है, दूसरी की मतलब फाइबर उसके जिस्म में डाल रही है क्रेयोन की, वो क्या अलग करेगा, उसको अप्रिशिएट कर रहे होते यार क्या टैलेंट है मेरे बच्चे का।